तो हे हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी मैं फाइनली सो के उठ गया हूँ, तो आज चलते हैं कहीं घूमने। तो अभी मैं रेडी हो लेता हूँ, फ्रेश वगैरह होकर चलते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं। तो अभी हम फाइनली निकल चुके हैं, एक मेरे साथ का। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने। आज साइकिल से तो नहीं जा रहे हैं, अपनी लंबरगिनी से इसे छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि इसमें नहीं है ताला। तो अभी हम जा रहे हैं, भाई आ रहा है साथ का, फिर जाते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं, उस दिन तो टाइम की वजह से नहीं जा पाए थे सेंटर पार्क में, लेकिन आज पक्का जा रहे हैं। आज तो क्या, संडे भी है और थोड़ा काम भी कम है ना, तो इसीलिए जाते हैं फिर। अभी तो निकल चुके हैं हम, थोड़ी बहुत देर में आज पैदल ही जा रहे हैं, पहुंच जाएंगे 15 या 20 मिनट में पहुंचेंगे आराम से घूमते घामते। और अभी ये देखिए सुबह का सीन है, मॉर्निंग का पूरा बंद जा रहा है मार्केट, कोल आ रखा है पूरा एक नंबर का। ये देखिए लाइटिंग सुबह ऐसा होता है डेली का, सुबह का अभी चांद, अभी भी सुबह हो रहा है, चांद निकला हुआ है। अभी टाइम देखो कैसा हो रहा है, पूरा मतलब दिन तो निकल आया सही से, लेकिन सही से नहीं निकला है। ठंड का मौसम है यहाँ पर, ये मंदिर वगैरह सनी देव महाराज का है। जय हो। तो अभी फिलहाल हमें अजमेरी गेट पे, ये है अजमेरी गेट, यहाँ पर ही बस वगैरह यहाँ से जाते हैं, यहीं से बस वगैरह ट्रेवल करती हैं हर जगह के लिए, और मतलब लोकल। ये देखिए जैसे बस आ गई, अभी ये आ गई, यहाँ दो एक आदमी रुकेगी, सवारी इसमें बैठेंगे बैठेंगी, उसके बाद ये निकल जाएगी, ऐसा होता है। ये देखिए ये टोंग फाटक हवाई अड्डा सब इधर से जाता है। ये है विश्वविद्यालय महारानी कॉलेज जयपुर का, और इसी के सामने पड़ता है महाराजा कॉलेज। ये है महाराजा कॉलेज भी, इसके बगल में जस्ट सामने रहता है महारानी कॉलेज, और ये है महाराजा कॉलेज। आगे है एसमस जो कि हॉस्पिटल है जयपुर का गवर्नमेंट, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हर फैसिलिटी मिलती है इसके अंदर। अभी हम वहीं पर पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में, उसके बाद फिर सेंटर पार्क में पहुँच जाएंगे घूमते घामते। अभी थोड़ा जो उजाला है वो हुआ नहीं है सही से, फिर भी सही हो गया, लेकिन अभी हुआ नहीं कम्प्लीटली, तो थोड़ी बहुत देर में हो जाएगा आराम से, पार्क में पहुंचते पहुंचते तक हो जाएगा शायद। तो चलिए आगे मिलते हैं। और ये है एसमस हॉस्पिटल, ये इमरजेंसी वार्ड है इसका, यहाँ पर जो इमरजेंसी वार्ड है मतलब इमरजेंसी पड़ जाती थी, यहाँ पर ज़्यादातर यहाँ पर आते हैं लोग, और इसके बाद आता है इसमें एसमस का ये दूसरा वाला पार्ट। ये है धनमंत्री, ये भी गवर्नमेंट है, इसमें भी सारी फैसिलिटी मिलती हैं। उसके जो उधर बन रहा है वो वाला, वो इसका इंस्टीट्यूट बन रहा है पढ़ाई वगैरह के लिए, इसमें हर ऑल टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ लगी रहती है एसमस में। ये देखिए वहाँ पर लिखा है इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूनामेंटोलॉजी एंड ऑर्थोपेडिक्स एसमस हॉस्पिटल जयपुर। ये देखिए अभी रोड वगैरह सब चल रहा है। और ये है इसका ट्रोमा एवं अस्थि रोग, मतलब हड्डी वगैरह का, ये यहाँ पे इसका है। ये इसके नीचे जो ये रोड है, इसके नीचे अंडरग्राउंड टनल दी हुई है, मतलब सुरंग जो जो एक एक हॉस्पिटल को दूसरे हॉस्पिटल पर जोड़ती है, मतलब मरीज़ वगैरह ले जाने लाने के लिए। और ये है मेन एसएमएस सवाई मानसिंह हॉस्पिटल एसएमएस के नाम से, इसका शॉर्ट नेम एसएमएस दिया हुआ है। ये सारे यहाँ पर ये दुकान है वगैरह मेडिकल की, जो एसमस के सामने दी हुई है। और यहाँ पर टपरी वगैरह वाले जो मतलब टपरी वगैरह लगाते हैं
चाय की छड़ी वगैरह, वो सब यहाँ चलती रहती है ऑल टाइम 24 घंटे। ये देखिए और ये है पृथ्वीराज रोड। यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर एक स्मारक बनी है अंगदाताओं की, जिन्होंने अपना कोई भी अंग वो दिया है, दान वगैरह किया है। जैसे यहाँ पर नाम लिखे हैं, सनी महावर दोसा सावरमल घनश्याम कोटा जयपुर बस्सी, मतलब जिसने जिसको अंगदान किया है तो यहाँ पर सब लिखा है। हरियाणा जयपुर 2015 सन वगैरह सब दिए। ये हार्टमैन का सैम्बल, जो कि मतलब जिन लोगों ने अपने कोई भी अंग किसी को दान दिया है ना, तो उसको यहाँ पर वो बनाया हुआ है हार्ट, मतलब उनके लिए स्मारक बनाई हुई है और यहाँ पर लिखा हुआ भी है सब कुछ। और ये आ जाता है अपना सेंट्रल पार्क रोड, सेंट्रल पार्क रोड आ जाता है। और ये बस आ गई, अभी मैं ऐसे घूमते घामते ही जा ही रहे हैं तो आराम से जाएंगे। अभी गेट, एक गेट तो पीछे रह गया, उससे नहीं जाने, आगे वाले गेट से जाएंगे। उधर क्या है, बीच का गेट पड़ता है। ये पूरा पार्क सेंटर पार्क का एरिया है ये सब। ये उधर पीछे नारायण सिंह सर्किल और रामबाग, इधर स्टेचू सर्किल पूरा घेरता है ये सेंटर पार्क। इसका अंदर का जो राउंड है, ग्राउंड है, वो पूरे 4 किलोमीटर का एक चक्कर जो लगाते ना इसका पूरा, वो 4 किलोमीटर में पूरा चक्कर कंप्लीट होता है। ये देखिए आगे, अभी हम गेट से चलते हैं तब आगे का देखते हैं व्यू। और ये है गेट नंबर 4 से सेंटर पार्क की एंट्री। ये देखिए ये रनिंग के लिए जो 4 किलोमीटर वाला रूट था ना, वो यहीं से दिया हुआ है ये सब। इसमें कूदने फाँदने के लिए, वरना रोकने के लिए यहाँ पर गाड़ी वगैरह पार्किंग का है। यहाँ पर पूरा गाड़ी गाड़ी की पार्किंग का है। और जो इस साइड में ये देखिए पूरी वो बना के रखी है, मतलब अच्छे से वो पेड़ पौधे लगा के, मतलब अच्छे से पूरा बनाया हुआ है। देखिए दिख रहा है ना, ये देखिए। और वो सामने रहा हमारा फ्लैग, अभी तो दूर से दिख रहा है, बट हम पास जाएंगे ना तब अच्छे से दिखेगा हम लोगों को। ऐसे ये तो बड़ी बड़ी वो दिए पेड़ वगैरह पौधे, और अभी यहाँ पर ये छोटे छोटे फूल वगैरह लगाए जा रहे हैं। देखिए ये आगे चल के इसमें पानी का सिस्टम भी यहीं पर दिया है, यहाँ से मतलब सब पानी की वो होती है। यही वाला ट्रैक है रनिंग का, ये भी है, इधर भी है, लेकिन ये क्या, ये वाला ट्रैक है ना, पूरा एक राउंड 4 किलोमीटर का राउंड है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रनिंग करते हैं सुबह शाम डेली। और अभी हम पहुँचने वाले हैं अपने फ्लैग पर, तो चलिए देखते हैं। फ्लैग सुबह सुबह तो लहरा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा गीला हुआ पड़ा है। ये देखिए यहाँ पर 15 अगस्त 26 जनवरी पर अच्छे से मतलब पूरा फहराया जाता है। देखिए ये पूरा ऐसे हरा भरा, पूरा जो पार्क है ना पूरा चारों तरफ से ऐसे हरा भरा पार्क है। ये देखिए चारों तरफ। अभी तो यहाँ पर ओस पड़ी हुई है बहुत सारी, तो भी ज़्यादा इतने लोग कोई यहाँ पर वो नहीं रहा है, सब ज़्यादातर इधर उधर कहीं जहाँ पर ओस नहीं है वहीं पर आए हैं। लेकिन जब यहाँ ओस वगैरह सूख जाएगी ना तो बहुत वैसा होता है। और शाम के टाइम तो चार पाँच बजे का टाइम होता है ना शाम का, आज वैसे भी संडे है, तो आज तो इतनी भीड़ रहती ना यहाँ पार्क में बहुत ज़्यादा, मतलब हर दिन से ज़्यादा आज के दिन यहाँ भीड़ रहती है। देखिए और ये देखिए अपने पास से फ्लैग कितना बड़ा दिया हुआ है, ये देखिए ये है। इसके चारों तरफ इस तरह से बाउंडिंग की हुई है, ये देखिए इस तरह से। ये राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का विवरण दिया हुआ है, देखिए भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को 22 जुलाई
1947 को संविधान सभा द्वारा मान्यता प्राप्त हुई थी। सब कुछ दिया हुआ है इसमें, 24 धुरियाँ होती हैं। श्वेत पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का अशोक चक्र अंकित केसरिया शक्ति व साहस के साथ त्याग का प्रतीक होता है। श्वेत शांति व सत्य का घोतक होता है एंड हरा उर्वरता समृद्धि भूमि की हरियाली के साथ आशा व उमंग का प्रतीक होता है। सब कुछ दिया अशोक चक्र के बारे में और पूरे तिरंगे का विवरण दिया हुआ है। ये देखिए ये सब इस तरह से सामने इसके वगैरह फ्लैट वगैरह रह जाते हैं यार, लेकिन ये है बहुत मस्त चारों तरफ का। यहाँ पर ही अभी छोटी छोटी फुलवारी दी हुई है, ये देखिए इस तरह से पूरा इसके राउंड अप घूमने के लिए ऐसा दिया हुआ है पूरा, मतलब पत्थर वगैरह बिछा रखे। और ये आ जाता है अपना स्तंभ जो कि शिलाएँ हैं पुरानी पुरातत्व काल की, उस टाइप में दिया हुआ है। ये देखिए पूरी सिलाइयाँ हर किसी की डिजाइन थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। इसमें सब कुछ इस तरह से बना हुआ है अंदर से, इसमें लोगों ने अपने नाम वगैरह सब कुछ लिख रखे हैं इतना बड़ा। ये देखिए पूरा सिलाई दी हुई है, लोगों ने क्या क्या लिख रहा है इसके अंदर। लोग यहाँ पर चढ़ भी जाते हैं, एक बार हम भी चढ़े थे। ये देखिए दिए हुए ना पूरी सिलाई, ये पूरा। पहले यहाँ पर क्या था, ये गमले वगैरह नहीं रखे हुए थे जो यहाँ पर आज गमले वगैरह रखे हुए हैं ना, ये पहले नहीं थे। अभी कुछ टाइम पहले ही शायद इन लोगों ने यहाँ पर गमले वगैरह रखे हैं, और पहले यहाँ पर ऐसा कुछ भी रखा हुआ नहीं था। अब हल्के हल्के और भी इसमें उन्नति हो रही है पार्क में, मतलब हल्के हल्के। ये देखिए तिरंगा अपना कितनी शान से लहराता है और हमेशा ऐसे लहराता रहे। अभी तो घूमते हैं पार्क में, ऐसे लोग यहाँ पर स्टिचिंग वगैरह सब कुछ करते हैं यहाँ, जहाँ तो लोग मॉर्निंग बैग रनिंग सब कुछ के लिए आते हैं यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं आगे कहीं पर। और अभी देखिए ओस कितनी बढ़ रही है, सारे जूते वगैरह सब ऐसे करके गीले हो रखे हैं। ये देखिए ये पूरा ग्रीन ग्रीन हो रखा है, देखो हो रहा है ना। ये यहाँ पर योगा का है, जिम का है यहाँ पर लोग, मतलब ये ओपन एयर जिम है यहाँ पर आराम से कर सकते हो, जिम की तरह जिम है लेकिन आराम से करो, इधर उधर घूम घाम के जिम करो आराम से मज़े लेके। और ये पेड़ की छाव में बैठो, यहाँ पर तो फाइनली ओस नहीं गिरी हुई है लेकिन अदर जगह ओस गिरी रहती है। देखिए वो वहाँ पर स्ट्रेचिंग कर रहे हैं भैया। और ये कुछ लोग अभी एक्सरसाइज कर रहे हैं, अभी तो ठंड की वजह से कुछ लोग आए भी नहीं है, कुछ देर के बाद यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगी। यहाँ पर ये बना रखा है ये फुलवारी हार्ट के शेप में, ये देखिए हार्ट का शेप दिया है उसमें, जो शेप दे रखा है ना हार्ट का शेप दे रखा है दिल का। ये देखिए यहाँ से ये हार्ट का शेप दिया है। अभी तो हम जा रहे हैं फिलहाल घूमने, इसका राउंड काटने एक, और अभी हम इसका एक राउंड काट के आते हैं। 4 किलोमीटर का है तो ज़्यादा रनिंग वगैरह तो नहीं करेंगे, लेकिन आराम आराम से घूमते घामते वीडियो बनाते हुए पूरा व्यू लेते हुए जाएंगे आराम से, और वापस यहीं पर आ जाएंगे। एक इसका जो जिम ओपन जिम का है वो एक तो यहाँ पर दिया हुआ है, और एक इसका जो एक जिम का सेकंड वो है, और वो यहाँ उसके बैक में दिया है उस साइड में, मतलब तो यहाँ से लोग इधर से भी आ सकते हैं उधर से भी आ सकते हैं, पूरा कम्प्लीटली दिया हुआ है। ये आता है वाटर उसका क्या बोलते हैं इसको, मतलब झरने वगैरह के लिए पूरा दिया हुआ है। यहाँ पर पूरा वाटर उसका मतलब जो वो आता है उसमें, प्लस म्यूजिक के साथ में दिया है। धन का संरक्षण तभी सार्थक है जब जल ऊर्जा व वन सुरक्षित है। यहाँ पर अंदर अभी चालू नहीं हुआ है, कुछ देर में या टाइम में शाम के टाइम चालू होता है ये। देखिए यहाँ पर पहले लोग मतलब हम लोग ही पहले बैडमिंटन खेलते थे, लेकिन आज पूरा यहाँ पर फुलवारी वगैरह और सब कुछ कर रखा है नॉर्मली।
ये वही ट्रैक आ गया अपना, चलने का, दौड़ने का, कुछ भी कर सकते हो। तो अभी हम इस पर जाते हैं, थोड़ा बहुत घूमते हैं इधर उधर। तो आज की वीडियो तो जो हम गए थे पार्क में बना के लाए वो हो गई है बहुत लंबी, तो उसके पार्ट दो आएंगे। पहला पार्ट आएगा 17 या 20 मिनट का, उसके बाद दूसरा पार्ट आएगा। तो एक पार्ट तो यहीं पर ख़त्म होता है, दूसरा पार्ट नेक्स्ट डे आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो गई है पूरा पार्क का सब कुछ, तो इसीलिए, ठीक है। तो अभी तक के लिए वीडियो यहीं, मिलते हैं नेक्स्ट शो तक के लिए। बाय बाय।